हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम जानेंगे आइंस्टाइन के दिए हुए नियम स्पेसिकल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी, जिससे हम समय यात्रा कर सकते हैं। पहले हम जानेंगे स्पेसिकल रिलेटिविटी के बारे में। स्पेसिकल रिलेटिविटी में होता क्या है, हम जितनी तेज़ी से यात्रा करेंगे हमारे लिए समय उतना ही सुस्त होगा। और दूसरा है जनरल रिलेटिविटी। जनरल रिलेटिविटी में ग्रेविटी का काम होता है, उसमें ग्रेविटी के कारण समय सुस्त होता है। ग्रेविटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही समय सुस्त होगा। तो इस दोनों थ्योरी से हम समय यात्रा कर सकते हैं, लेकिन समय यात्रा करने के लिए हमें लाइट के स्पीड से चलने वाला कोई वाहन चाहिए, नहीं तो हमें किसी ऐसे वस्तु के पास जाना होगा जिसका ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो, जैसे ब्लैक होल। हम ब्लैक होल से समय यात्रा कर सकते हैं, पर हमसे सबसे नज़दीकी ब्लैक होल 1.600 लाइट ईयर दूर है, मतलब कि प्रकाश को ही जाने में 1 साल लग जाएगा। साइंस अभी तक इतना तरक्की नहीं किया है कि वह प्रकाश से स्पीड से कोई वाहन बना सके, मतलब कि प्रकाश की गति से चलने वाला कोई वाहन बना सके। अगर हम ब्लैक होल के नज़दीक जाते हैं तो बहुत गतिविधियां पैदा होंगे, जैसे वहां का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, हमारा स्पेसक्राफ्ट खिंचा के लंबा हो जाएगा, वह होगा इवेंट होरिजन के कारण, जिसे हम टाइडल इफेक्ट कहते हैं। अगर हम ब्लैक होल के नज़दीक जाते हैं तो हमें उसके किसी एक ऐसे ऑर्बिट पर जाना होगा जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा ना हो, और साथ ही साथ हमें ब्लैक होल का चक्कर ज़्यादा गति से लगाना पड़ेगा, जिससे ब्लैक होल हमें अपनी ओर ना खींच सके। अगर हम ब्लैक होल के नज़दीक 1 मिनट 1 सेकेंड बिताते हैं तो वह 1 सेकेंड पृथ्वी के 1 साल के बराबर है। तो इस तरह हम ब्लैक होल के नज़दीक जाके समय यात्रा कर सकते हैं। ब्लैक होल के नज़दीक जाने में हम लोग का मदद वार्म होल कर सकता है। वार्म होल के बारे में हम लोग दूसरे एपिसोड में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।